देखना शुरू कर चुके हैं हिमांशी न्यूज। अभी हम वही बहुत बड़ा जो हादसा कल सुजावलपुर चौक के समीप हो गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। वह चार लोगों का शव पोस्टमार्टम होकर गांव पहुंचा। गांव पहुंचने में पूरा गांव, पूरा ग्रामीण एवं पूरा मोहल्ला मातम में तब्दील हो गया, पूरा मातम छाया हुआ है। अभी एक घंटा पहले दो पार्थिव शरीर को मिट्टी दिया गया, यानी दाह संस्कार किया गया, और दो पार्थिव शरीर अभी यहाँ पे मौजूद है, किसी आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि एक ही घर में, एक ही चौकी पे, एक ही साथ उसका अंतिम दाह संस्कार के लिए जो व्यवस्था किया जा रहा है वो ग्रामीण से देखा नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं कि घर की स्थिति उनका वही है, वही उनका घर है, और घर की स्थिति इतना दयनीय है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी पहुँचे हैं, सभी लोग परिवार को, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और जो भी सरकारी प्रक्रिया के साथ मुआवजा की बात की जा रही है वो बिल्कुल सही है, और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से मृत परिजन को 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाता है, वो भी इन लोगों को मिलेगा, ऐसी बात कही जा रही है। पूरा गांव मातम में तब्दील हो चुका है, पूरा मतलब ग्रामीण यहां पे मौजूद है, सबके आंखें नम है। एक ही साथ एक ही गांव में, एक ही टोला में चार पार्थिव शरीर का दाह संस्कार एक ही साथ हो रहा है, सबसे बड़ी ये बात है। मैंने यहां के नगर पंचायत है, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष एवं यहां के पूर्व मुखिया से भी बात करने का प्रयास किया, उनके माध्यम से भी क्या कुछ कहा गया, कुछ ग्रामीण है उनसे जानेंगे क्या लग रहा है कि पूरा गांव मातम में तब्दील हो गया है, क्या आप लोग कहते? सभी गांव है मातम में, इस पे हम लोग विचार करके सभी लोग काम कर रहे हैं। मुआवजा के लिए क्या आवाज़? मुआवजा मिलेगा, बच्चा बहुत गरीब है, कोई बेसहाया है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, की गो उठा देख करके। कहा जा रहा है कि टेम्पो चालक जो था वो बहुत ही उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके किस्त पे गाड़ी निकाला, और 6 महीना पहले ही निकाला था, तो वो गाड़ी को अब क्या होगा, क्या मतलब आप लोगों के विचार से क्या होगा? विचार वो तो इस पर सरकार लोग सोचेंगे जो उसको क्या कैसे माफ़ किया जाए, जो भूमिहीन आदमी है देने में नहीं सकेगा। देखिए कि सबसे बड़ी बात है, यहाँ के ग्रामीणों से पता चला कि ये भूमिहीन आदमी है, इनके पास ज़मीन तो है ही नहीं, ये वही मतलब कमाने के लिए एक ऑटो खरीदे, जो ऑटो पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वो चलने लायक भी नहीं है। हालांकि वो अभी ऑटो थाना के कब्जे में है, और जो बस से एक्सीडेंट हुआ था वो बस भी थाना के कब्जा में है, जो कि कल आपको हम दिखाने का प्रयास किए थे। बाकी सब लोग यहाँ पे मौजूद है, सब लोग से बात हम नहीं कर सकते क्या कि पूरा मातम में तब्दील हो चुका है ये गाँव। लास्ट में हम एक ही शब्द बोलते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग सही से गाड़ी चलाए और सुरक्षित चलाए, और रोड पर जब सफ़र करे तो वो ये देख के नहीं चले कि हम सुरक्षित है, अगर अगला भी अगर सुरक्षित नहीं चला रहा है तो उसको रोक के 4 बांस भी देना पड़े, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग इन लोगों को आप लोग करा रहे हैं? देखिए प्रशासन की तरफ से तो सहयोग क्या कहा जा सकता है, जो भी कल का प्रक्रिया था उसमें जो भी सहयोग, जो यहाँ का जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के आम जनता हो या प्रशासन हो, जो भी बन पड़ा वो किया गया है। अब तो जो लाभार्थी जो भी इसमें दिया जाएगा, जो है दुर्घटना में जो लाभ मिलेगा उसका हम लोग कोशिश करेंगे उसको दिया जाए। एक ही गांव से 4 लाख यहाँ से शरीर आया, क्या लग रहा है इस गांव? बहुत 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 दुखद घटना है, और अपने लाइफ में इतना बड़ा घटना देखे नहीं है, ऐसा है कि क्या बोले, मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रहा है इसके, इतने बड़ा दुखद घटना के बारे में बोले क्या, ये सोचने में पड़ता है। और कल से सिर्फ इसी बात पे हर जगह आपको मिलेगा, पूरे नगर पंचायत में इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है, और इस दुख के घर में आप नहीं देखिए किसी के चेहरे पर, आप मतलब सब उदास है। सभी लाश आ गई है? हाँ, सभी के सभी चार लोग हैं। आगे की परिया अभी हम लोग मिट्टी देकर के आए हैं, अभी दूसरा लाश डेड बॉडी है, उसको 1:30 बजे के बाद उसका भी जनाजा होगा, तो फिर देखा किया जाएगा उसको भी। घायल की हालत कैसा है? घायल का हालत गंभीर है, हो सकता है कि उसमें भी कुछ बच्चा जो है एक्सपायर कर जाए, गुजर जाए, दयनीय स्थिति है उसका भी। मृतक के परिजन के लिए आप क्या करवाएंगे? मृतक के परिजनों के जन सहयोग भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, जो नेता है, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, लोग कोऑपरेट किए हैं, हमारे नगर उपाध्यक्ष भी हैं, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, किए हैं, सहयोग जब बनता है हमसे। कितने लोगों की अभी तक पुष्टि हो पाई है? 4 आदमी का जो है ना, जो 4 उसमें बच्चे हैं, 19 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है दुर्घटनाग्रस्त में, और 3 दयनीय स्थिति में घायल है, जो पटना मुजफ्फरपुर इसके में भर्ती है, एक को रेफर किया गया है इसके पटना में, उसका भी हालत गंभीर है। ये घर